जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो वो बॉडी में क्या करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने वो डायलॉग सुना है, वो ढाई किलो का, वो ढाई किलो का क्या है, ढाई किलो का हाथ, देखिए याद है, ढाई किलो का हाथ हाथ होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ढाई किलो का बॉडी का एक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड लिवर। हार्ट जो है उसका वेट है 250 ग्राम और उसका 10 गुना ज्यादा लिवर, लिवर। सो लिवर इज नोन एज सेकेंड ब्रेन, लिवर को भी ब्रेन बोला जाता है बॉडी का। लिवर अपने डिसीजन खुद लेता है बिना इंटरफेरेंस ऑफ ब्रेन, राइट। सो लिवर क्या करता है, अब जब भी कोई चीज खाते हैं तो लिवर एक पहरेदार की तरह है, लिवर डिसाइड करता है ये जो फूड है, ये जो भी आपने खाया है वो बॉडी के लिए ठीक रहेगा या बॉडी के लिए खतरनाक होगा। अगर तो खतरनाक होगा तो लिवर उसको अंदर जाने नहीं देगा, उठा के बाहर फेंक देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में आपने एक पहरेदार खड़ा कर दिया, गेटकीपर खड़ा कर दिया, और गेटकीपर को बोल दिया कि अगर दोस्त हो तो अंदर आने देना, और जो दोस्त ना हो स्ट्रेंजर हो उसको अंदर मत आने देना, यही गेटकीपर का रोल है, राइट। तो गेटकीपर इंश्योर करता है कि आपके अंदर कोई, आपके घर के अंदर कोई स्ट्रेंजर ना आए, ओनली दोस्त फ्रेंड्स वही अंदर आए। द सेम थिंग द लिवर डस, कि जो भी चीज खतरनाक होगी, हार्मफुल होगी, स्ट्रेंजर होगी, वो बॉडी के अंदर ना जा पाए। सो दैट इज द रोल ऑफ लिवर। लेकिन लिवर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी चीज बॉडी के लिए खतरनाक है, कौन सी बॉडी के लिए यूजफुल है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो नाउ यू सी, फूड जो भी कुछ खाते हैं मुंह में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, एंड फाइनली इट इज लिवर जो डिसाइड करता है कि आगे बॉडी में जाना है या उठा के बाहर, कोलन के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते बाहर इसको थ्रो कर देना, या उल्टी के रास्ते इसको बाहर फेंक देना है, राइट। सो गेटकीपर को आपने बता दिया कि कोई दोस्त होगा तो अंदर आने देना, उसको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी दोस्त है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपने उसके लिए क्या किया, उसको काफी सारे फोटोग्राफ दे दिए, ये मेरे दोस्तों की लिस्ट है फोटोग्राफ की, और साथ में नाम भी दे दिया। तो यानी कि जब भी कोई आदमी आ रहा है और बोल रहा है मुझे अंदर जाना इनसे मिलने, तो वो सारे फोटोग्राफ से मैच करेगा, तो किसी भी फोटो से मैच हो रहा है, नाम से मैच हो रहा है, देन ही विल लेट हिम गो इनसाइड, राइट। सो दैट इज हाउ द गेटकीपर विल वर्क। और कुछ दिन बाद वो चेहरे पहचानने लगेगा तो उसको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार जब आप पैदा हुए तो आपके लिवर में प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें आपके बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, और वह चीजों की जो पिक्चर है बॉडी लिवर में स्टोर्ड है, राइट। तो वो कौन सी चीजें हैं, जो वो कुदरती चीजें हैं, नॉर्मली कुदरत ने जो बनाई है, राइट, जैसे फल सब्जी ये सारी चीज, राइट, जो हजारों लाखों साल से नेचर में है। जो मेडिसिन है वो कितने साल से पुरानी है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, 20 साल 30 साल 50 साल, इतने 50 साल के फ्रेमवर्क में ज्यादातर मेडिसिन डेवलप हुई है, इन्वेंट हुई है, डिस्कवर हुई है, राइट। सो वो जो मेडिसिन है वो आपके लिवर के लिए इज ए स्ट्रेंजर, लिवर में वो प्रोग्रामिंग नहीं है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि वो तो अभी भी बनाई है, इंसान ने बनाया, भगवान को नहीं पता था कि इंसान ये कुछ बनाएगा, तो वो स्ट्रेंजर की लिस्ट में है। वो गार्ड के पास वो वाली फोटो नहीं है, लिवर एक गार्ड है, उसके पास वो फोटोग्राफ नहीं है कि वो जो मेडिसिन की लिस्ट वो नहीं है, राइट। तो लिवर क्या करेगा, कोई भी मेडिसिन आप खाएंगे तो लिवर में जाएगा तो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, राइट। सो हमारी बॉडी, अवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू कंज्यूम द मेडिसिन। मेडिसिन खा सकते हैं, स्टमक तक जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन लिवर तक पहुंचेगा तो लिवर अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा और देखेगा ऐसा कोई चीज, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ फूड जिस जो कि हमारे लिस्ट में है, तो उठा के उसको बाहर, या तो उल्टी के रास्ते या टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इसे कहते हैं, सो दैट इज अदर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये एक सब्जेक्ट है हॉर्मेसिस, इसमें ये पढ़ाया जाता है, राइट, मेडिसिन में, कि लिवर विल थ्रो इट आउट। तो कोई भी मेडिसिन जब लेंगे तो लिवर उसको बाहर फेंक देगा, अंदर अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन जब भी आप स्लीपिंग पिल लेते हैं तो नींद आती है, पेन के लिए लेते हैं तो पेन चला जाता है, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड शुगर की गोली लेते हैं तो ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो जब लिवर उसको रोक के बाहर फेंकेगा, उसके मैकेनिज्म में ऐसा है, तो फिर वो दवाइयां फिर बॉडी में कैसे सर्कुलेट कर रही हैं, और वो दवाइयां वो वाला असर कैसे कर रही है जो असर के लिए वो दवाइयां बनाई गई हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन कीजिए गेटकीपर है पुलिसमैन, टू पुलिसमैन, राइट, और इनका काम है कि जितनी भी गाड़ियां यहां से आएंगी हर गाड़ी को चेक करना है कि किसी गाड़ी में चोर तो नहीं है, और चोर का फोटो उनके पास ऑलरेडी है, राइट। तो ये दो लोग मिलके एक मिनट में एक गाड़ी को चेक कर सकते हैं,
तो हर मिनट में एक गाड़ी आ रही है वो चेक कर रहा है, और अगर चोर है तो वो पकड़ के आगे नहीं जाने देगा। अब चोर को ऐसे बचकर निकलना है तो वो क्या ट्रिक करेगा कि मैं ऐसा कुछ करता हूं कि हर मिनट में दो गाड़ियां पास करा देता हूं, तो ये पुलिस वाले कितनी गाड़ियां चेक कर पाएंगे, 50% ऑफ द कार राइट, 50% को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे बात राइट। तो यानी कि 50% चांस है कि चोर बच के निकल जाए, क्योंकि जितनी उनके चेकिंग की एफिशिएंसी है उससे ज्यादा ट्रैफिक है, डबल ट्रैफिक है। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, ये हेड ऑफिस में फोन करेंगे राइट, हेड ऑफिस वाले ज्यादा फोर्स चार लोग भेज देंगे। अब चार लोग भेजेंगे तो दोबारा से चेकिंग प्रॉपर होगी, मतलब कोई भी बच के नहीं जा पाएगा। ठीक इसी तरह से आपके लिवर की एक कैपेसिटी है राइट, कि वो एक बार में इतना ही डोज, मेडिसिन का डोज बोलते हैं ना, इतनी डोज ही वो चेक कर सकता है, उसको रोक सकता है, उतनी होल्डिंग पावर है। तो डॉक्टर क्या करता है, जितनी आपकी होल्डिंग पावर है लीवर की उससे डबल डोज देता है, उसका डबल राइट, ताकि आधा लीवर रोक लेगा और आधा अंदर चला जाएगा। ठीक इस उस चोर की तरह राइट, चोर को पता चल गया कि हर मिनट में ये दोनों मिलकर सिर्फ एक ही कार चेक कर सकते हैं, तो हर मिनट में हम दो कार गाड़ियां भेजेंगे, स्मगलिंग वाला माल होगा इसमें, तो आधी गाड़ियां तो पकड़ी जाएंगी लेकिन फिर भी आधी गाड़ी तो निकल जाएगी ना राइट। तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस में बोलते हैं हाफ लाइफ डोज, हाफ लाइफ डोज मतलब आधी चीज तो वेस्ट होगी, जो दवाइयां आप लेते हैं 50% वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, 50% ही फाइनली अंदर जाता है राइट। अगर लिवर नहीं होता या जिनका लिवर काम नहीं करेगा तो वो 100% ही चला जाएगा, फिर उनको ज्यादा डोज की जरूरत नहीं है राइट। तो आपने गौर किया होगा कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आपने दवा ली, ब्लड प्रेशर कम हो गया और कुछ महीने निकल गए, लेकिन उसके बाद वो दवा लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, असर नहीं कर रहा होता। अब डॉक्टर के पास गए वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि भाई अब लीवर ने अपना कैपेसिटी बढ़ा लिया, जिस तरह से इस पुलिस वाले ने ज्यादा और बुला लिए, तो लीवर दोबारा रीएडजस्ट करता है अपने आप को, कुछ महीनों में लीवर समझ जाता है कि इतनी कैपेसिटी काफी नहीं है, वो तो 2.5 किलो का है, वो अपने आप को रीएडजस्ट करता है राइट। तो अब वो जो डोज है वो डोज आपके काम का नहीं आ रहा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा, डोज बढ़ा देगा राइट। तो लीवर की जो कैपेसिटी थी बढ़ी हुई, उससे भी ज्यादा डोज बढ़ा देगा, अब दोबारा से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप पेन किलर लेते आए तो पेन शुरू में तो कम हो रहा है उतने डोज से, लेकिन बाद में पेन कम होना बंद हो गया, यानी कि लीवर ने उसको उतने दवा को रोकने की क्षमता अपनी बढ़ा ली राइट। तो अब वही वाला असर लाने के लिए आपको डोज को डबल करना पड़ेगा, हर बार डबल करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं एक गोली फिर दो गोली फिर तीन गोली, जो इंसुलिन लेते हैं पहले 5 यूनिट फिर 10 यूनिट फिर 50 यूनिट फिर 100 यूनिट, वो बढ़ता ही जाता है। तो मतलब ये एक तरह का झगड़ा चल रहा है राइट, चोर पुलिस का खेल चल रहा है। तो ऐसे में फाइनली क्या होता है, वो जो लीवर है अपना, जैसे वो मान लो गेट कीपर है, उसने एक डंडा रख लिया और फिर लगा कि ज्यादा लोग तो और 2-3 डंडे रख लिए, लेकिन अपनी ताकत एक टाइम आएगी वो जो गेटकीपर है वही खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक टाइम आएगा तो लीवर इटसेल्फ विल फेल, लड़ते 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 रहते तो लीवर इटसेल्फ विल फेल। सो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आवर बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू टेक मेडिसिन। इंसान की बॉडी या किसी भी जानवर की बॉडी भगवान ने जब बनाई तो उसको पता नहीं था कि ये दवाइयां भी लेने वाले हैं, तो दवाई के हिसाब से हमारी बॉडी बनी नहीं है। जब भी आप दवाई लेते हैं, किसी भी चीज की दवाई फॉर दैट मैटर, अपने आप को नुकसान करके ही वो दवाई आगे बढ़ती है, याद रखिए। व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर दैट मैटर, वो आपको कुछ तो नुकसान करेगी, जिस चीज का फायदा के लिए ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करके ही राइट वो दवा अंदर जाएगी। दैट इज द ट्रूथ अबाउट द मेडिसिन। ये तो हुई पहली बात कि भाई क्यों हम दवा लेंगे तो क्या करते हैं। अब जो आधी दवा जो अंदर गई ब्लड सर्कुलेशन में राइट, सो आधी दवा अंदर गई, इट इज गॉन इन द ब्लड सर्कुलेशन। कोई भी तरह का मेडिसिन है, कोई भी तरह का मेडिसिन जब वो ब्लड में फ्लो करता है तो ये इंटरनल, इसे कहते हैं एंडोथेलियम लेयर, इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल राइट, जो फ्लो करता है तो यहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन कर देता है, यहाँ पे वो घाव कर देता है। किसी भी तरह का दवा जब ब्लड में फ्लो करेगा तो ये ब्लड वेसल का इंटरनल लेयर जिसे एंडोथेलियम लेयर कहते हैं उसमें घाव कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा। इन्फ्लेमेशन जब होता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और जब वो स्टिकी हो जाएगा तो क्या होगा, उसी ब्लड में कैल्शियम फ्लो कर रहा है, प्रोटीन फ्लो कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है, ब्लड में तो सारा कुछ फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, वो सारा कैल्शियम वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा,
वहीं चिपकने लगेगा, और जब चिपकने लगेगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, दैट विल बिकम अ ब्लॉकेज, वो धीरे 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 ब्लॉकेज का रूप लेगा। अब ये जो ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को उठाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, देखो इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, देखो कोलेस्ट्रॉल का दोष है कोई आपके उसमें, सो कोलेस्ट्रॉल का कोई दोष है इसमें, कोई दोष नहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल का, राइट। सो लेकिन आपके टॉयलेट में लीक हो गया, पानी बह रहा है, तो प्लम्बर आएगा बोलेगा अच्छा पानी बह रहा है तो पानी का दोष है, मैं ऊपर से ना टंकी का मैं वो ऑफ कर देता हूं, तो पानी बहना बंद हो गया, बट इज इट अ सॉल्यूशन, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रिट, अगर कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है इस ब्लॉकेज में तो कोलेस्ट्रॉल की गलती नहीं है, वो चिपचिपाहट हटानी पड़ेगी, जब चिपचिपाहट हट जाएगी तभी जाके आपको, राइट, दैट इज द राइट सॉल्यूशन। लेकिन कोई भी दवा जब आप लेते हैं, जब वो फ्लो करता है तो वो चिपचिपा हो जाता है एंड उससे ब्लॉकेज बनता है, ब्लॉकेज बनेगा तो वो ब्लॉकेज में अगर आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा, उसमें कैल्शियम होगा, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें बहुत सारे और मिनरल्स होंगे। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिर्फ 5% होता है ब्लॉकेज में, लेकिन अब क्या है कि भाई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आपको देना शुरू कर देंगे। अब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग जो है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है इनडायरेक्टली, लेकिन उसको एक्स कैटेगरी ड्रग कहते हैं। एक्स कैटेगरी ड्रग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेने से इनफर्टिलिटी होती है, इम्पोटेंसी होती है, और बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है, और पैदा भी होंगे तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें बच्चों में हो सकती है, इसीलिए इट इज पुट ऑन एक्स कैटेगरी ड्रग। तो किसी को भी जीवन में कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं लेनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है पहली बात तो, राइट। लेकिन इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन वो एक सेलिंग पॉइंट बन गया है। तो जब भी वेन एवर यू टेक एनी मेडिसिन यू क्रिएट द इन्फ्लेमेशन दैट लीड टू द ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज से ही सारी दिक्कतें हैं। अगर वो हार्ट में होगा तो वो हार्ट डिजीज कहलाएगा, ब्लॉकेज ब्रेन में होगा तो उसे ब्रेन स्ट्रोक होगा, ब्लॉकेज किडनी में होगा तो किडनी फेलियर बन जाएगा, ब्लॉकेज लीवर में है तो लीवर फेलियर बन जाएगा। तो ये ब्लड वेसल तो बॉडी के हर अंग में है, तो मेन जो उसका किसी भी बीमारी को और छाने तो उसका जो एक कारण निकलेगा ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज का कारण इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का कारण कि जब ब्लड में केमिकल फ्लो करता है, मतलब ऐसी चीजें जो लीवर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए फूड बट इट इज फ्लोइंग इन द ब्लड, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, राइट। लीवर तो उसको रोक रहा था क्योंकि लीवर को पता है कि ये चीज अंदर अगर जाएगी तो इन्फ्लेमेशन करेगी, घाव कर देगी, लेकिन वो चालाकी क्या किया, हाफ लाइफ डोज, कि जितना लीवर रोक पाए उसका डबल डोज दे दो। वो कैलकुलेशन होता है, वो मेडिकल साइंस में कैलकुलेशन पढ़ाते हैं कि बॉडी का, अगर बच्चे का हाइट इतना है, बॉडी का वेट इतना है, इतनी उम्र है, तो कितनी दवा देने से आधा रोक पाएगा लीवर और आधा अंदर चला जाएगा, दैट इज अ कैलकुलेशन, राइट। सो लीवर रोक रहा है बिकॉज लीवर को पता है कि वो अंदर जाके डैमेज करने वाला है, उसको हार्ट डिजीज का पेशेंट बनाने वाला है। सो अगर तो आप सोचते हैं, अगर इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट, सो अंडरस्टैंड कीजिए कि आप अपने अंदर इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहे हैं।